अभी तो ये तय करना कौन पांडव है कौन कौरव है, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है पांडव कौन है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि रातों रात नंदी जी ने बैरिकेडिंग तोड़वा दी। देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी चीज है। सर सर अपने जी एक सवाल, एक सवाल, जयंत चौधरी के अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में शामिल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है, भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है, भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा है आपने किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है, वो जानते ना कि कब किसको कैसे क्या करना है, किसके पास ईडी भेजना है, किसके पास सीबीआई भेजनी है, किसके पास आईटी इनकम टैक्स का छापा मारना है, और किस पत्रकार का कब मुंह बंद करना है, किस चैनल को क्या बजट देना है। अगर बजट नहीं दिया तो कंट्रोल कैसे आएगा। तो सवाल जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल है न्यूज कंट्रोल के बाद भी घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका जवाब सरकार के पास है क्या। सोचिए नौजवान मजबूर है इसराइल में नौकरी करने के लिए, क्या कोई अपना घर परिवार छोड़ करके एक वॉर जोन में जाएगा। और जिस सरकार के कार्यकाल में, और मैं कहता हूं पत्रकार साथियों से, 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से और आज तक एनसीआरबी के आंकड़े निकलवा लीजिए, 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है। और जहां 1,00,000 किसान आत्महत्या कर ले, आय दोगुनी ना हो, महंगाई को रोक ना पा रहे हो, डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है।